नमस्कार दोस्तों, आज के इस ग्लोबल दौर में हमारी नई जनरेशन पूरी तरह से इंटरनेट पर डिपेंड है और आने वाले कुछ सालों में हम भी पूरी तरह से इंटरनेट के शिकार हो जाएंगे। आज भी चाहे हम अपने स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हों या फिर अपना राशन कार्ड बनवाते हों, चाहे हम अपना आधार कार्ड बनवाते हों या पैन कार्ड बनवाते हों, आज हम अपने ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर सभी सरकारी योजनाओं के लाभ इंटरनेट के माध्यम से उठाते हैं। ऐसे में हमारा सारा डेटा भी इंटरनेट में या हमारे मोबाइल फ़ोन में होता है। क्या हो अगर कोई व्यक्ति हमारे डेटा को चुरा ले? क्या हो अगर कोई व्यक्ति हमारे फ़ोन में आने वाले OTP को चुरा ले? जाहिर सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे पर्सनल डेटा को चुरा लेगा वो हमें ब्लैकमेल कर सकता है, या फिर कोई व्यक्ति हमारे प्राइवेट डेटा को चुरा लेगा तो वो हमें लंबा नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब आपको समझ में आने लगा होगा कि आखिर हम किस टॉपिक में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं साइबर क्राइम में। आखिर साइबर क्राइम क्या होता है, कैसे कोई हैकर्स हमारे ऊपर साइबर अटैक करता है और हम कैसे उसके शिकार हो जाते हैं। अंत में हम ये भी समझेंगे कि हम कैसे इस साइबर अटैक से बच सकते हैं, हम कैसे अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर भारत सरकार कितनी सशक्त है, भारत सरकार ने इस पर क्या एक्शन लिया है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि साइबर क्राइम है क्या। अगर आसान शब्दों में कहूं तो जब किसी व्यक्ति या संगठित समूह द्वारा साइबर स्पेस जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप की मदद से कोई अपराध किया जाता है उसे कहते हैं साइबर क्राइम। साइबर क्राइम भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन दो क्राइम बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है जो सीधे तौर पर हमारे कंप्यूटर या किसी डिवाइस को प्रभावित करता है। साइबर हमलावर साइबर क्राइम करने के लिए साइबर स्पेस की तकनीकी कमजोरियों का प्रयोग करते हैं। वे मेलवेयर के जरिए किसी भी डिवाइस के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की कमजोरियों पर अटैक करते हैं। ये किसी भी डिवाइस की सिक्योरिटी को भेद कर उस डिवाइस के अंदर चले जाते हैं, फिर उस डिवाइस की पूरी कार्य प्रणाली को तहस नहस कर देते हैं, या फिर वहां से कुछ पर्सनल डेटा भी चुरा लेते हैं, उसका गलत उपयोग करते हैं। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीका है। जब से हम इंटरनेट की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं तब से हमारे साथ ये समस्या दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती चली जा रही है। और दूसरे प्रकार के ऐसे साइबर क्राइम होते हैं जिनका मकसद अपना फ़ायदा या दूसरे का नुकसान करना होता है। जैसे किसी देश की बैंकिंग प्रणाली पर हमला करके उस बैंक के लेन देन को तबाह कर देना, जिससे उस देश की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है, या फिर डेटा को बदल कर किसी भी वेबसाइट को तबाह करना, नकली पहचान बनाना, या फिर ईमेल के जरिए किसी व्यक्ति को धमकी देना, किसी भी व्यक्ति के गोपनीयता के अधिकार का भी उल्लंघन करना, या फिर कॉपीराइट्स के अधिकार का उल्लंघन करना, या फिर सूचना को चुराकर घोटाले करना। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है सोशल मीडिया का गलत उपयोग करके समाज में गंद फैलाना, कुछ ऐसा कंटेंट पब्लिश करना जिससे या तो समाज में घृणा नफरत फैलती है या फिर समाज में खुलेआम दंगे होते हैं। और ऐसे साइबर अपराध भी कई बार हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भला ये कैसे पॉसिबल है, कोई हमारे फ़ोन को क्यों हैक करेगा? तो देखिए, ये बात अलग है कि आपके फ़ोन को कोई क्यों हैक करेगा, लेकिन अगर हैकर चाहे तो वो ये काम आसानी से कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे कोई साइबर क्रिमिनल हमारे ऊपर साइबर अटैक करता है और उसका गलत फ़ायदा उठाता है। ऐसे केस बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। ज़्यादातर ऐसे केसों में हमारी खुद की गलती होती है जब हमारा फ़ोन हैक हो जाता है। इसके लिए हैकर हमारे डिवाइस पर एक मैसेज छोड़ देता है। उस मैसेज में या तो कोई लिंक होती है या फिर कोई लुभावना ऐड होता है, और हम में से ज़्यादातर लोग उस ऐड पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद उस हैकर का जो वायरस होता है, सॉफ्टवेयर होता है, हमारे डिवाइस के अंदर पहुंच जाता है। इसके बाद वो हमारे डेटा को एक्सेस कर पाता है, जिससे वो हमारे महत्वपूर्ण जानकारी को चुरा लेता है, और इसके बाद वो हमको धमकी देता है। इसमें ज़्यादातर हैकर्स या तो हमारे ATM का पिन चुरा लेते हैं या फिर हमारी UPI जैसी महत्वपूर्ण ID चुरा लेते हैं, और इसके बाद वो हमारे बैंक अकाउंट के सारे पैसों को उड़ा देते हैं। और दूसरा जो सबसे पॉपुलर तरीका है, उसमें किसी भी क्रिमिनल द्वारा आपको फ़ोन कॉल किया जाता है और उस फ़ोन कॉल में आपको लुभावनी बातों से फंसाया जाता है। उन बातों में ज़्यादातर सीधे साधे लोग फंस जाते हैं। इसके बाद वो अपनी प्राइवेट या पर्सनल डिटेल्स उन हैकर्स को बता देते हैं, जिसकी सहायता से भी वो हैकर
आपके अकाउंट्स को खाली कर सकता है या फिर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और ये तरीका सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एक डेटा के अनुसार लगभग 15,000 से ज़्यादा लोग डेली इस तरह की फ़ोन कॉल का शिकार होते हैं केवल इंडिया में। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हैकर आपके फ़ोन को हैक कर लेता है और आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन ज़्यादातर ये तरीके किसी आम लोगों पर इस्तेमाल नहीं किए जाते क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं। अभी कुछ समय पहले आपने पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसमें बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के फ़ोन हैक किए गए थे। ये तरीका किसी आम लोगों के लिए इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर कोई गवर्नमेंट एजेंसीज का पीछा करने के लिए किया जाता है या फिर किसी देश द्वारा किसी दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि आने वाले समय में हमारी जनरेशन साइबर युद्ध लड़ेगी और ये साइबर युद्ध न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। इस साइबर युद्ध के जरिए भी किसी देश को आसानी से बर्बाद किया जा सकेगा। पर सच तो ये है कि हम ऐसे युद्धों को कई बार देख चुके हैं। कई बार साइबर क्रिमिनल्स इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं जिससे किसी भी देश को आसानी से बर्बाद किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ समय पहले बांग्लादेश के साथ भी हुआ था। अब सवाल आता है कि इस साइबर अटैक से हम कैसे बच सकते हैं, और अगर ये इतना ही खतरनाक है हमारी सोसाइटी के लिए तो फिर भारत सरकार ने इस पर क्या एक्शन लिया है। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इंटरनेट पर किसी भी ऐसी वेबसाइट पर मत जाइए जहाँ आपका फ़ोन अलाउ नहीं करता है। एक्चुअली आज के जो फ़ोन हैं नई टेक्नोलॉजी के, ये फ़ोन काफ़ी एडवांस होते हैं और इनकी सिक्योरिटी भी काफ़ी स्ट्रांग होती है। ये फ़ोन हमको पहले से अलर्ट कर देते हैं जहाँ इन डिवाइस को खतरा होता है, लेकिन कई बार हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और किसी ऐसे हमले के शिकार हो जाते हैं जहाँ से हमें खतरा होता है। तो आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। और हमारे फ़ोन में कई प्रकार के नोटिफिकेशन आते रहते हैं और हम में से ज़्यादातर लोग बिना पढ़े लिखे उन नोटिफिकेशंस को क्लिक कर देते हैं, या फिर अगर वो नोटिफिकेशंस हमसे कुछ परमिशंस मांगते हैं तो हम उनको अलाउ कर देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि कई बार हम ऐसे नोटिफिकेशंस को अलाउ कर देते हैं जिससे हमें खतरा होता है, जिससे हमारी प्राइवेसी को खतरा होता है। तो नेक्स्ट टाइम आप किसी को भी परमिशन देने से पहले एक बार उसके बारे में ज़रूर सोचें। कई बार जब हम ऐप डाउनलोड करते हैं, इसके बाद जब हम उस ऐप को ओपन करते हैं तो वो ऐप हमसे कुछ परमिशंस मांगता है और हम में से ज़्यादातर लोग उनको अलाउ कर देते हैं। जैसे ट्रूकॉलर हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स को एक्सेस कर सकता है और साथ ही साथ हमारे डिवाइस के सभी मैसेजों को भी पढ़ सकता है क्योंकि हमने उसे परमिशन दे रखी है। और ऐसे कई सारे एप्लीकेशन होते हैं जो आपकी गैलरी तक का एक्सेस मांगते हैं और हम जाने अनजाने में उनको एक्सेस दे देते हैं। ज़्यादातर केसों में तो ये कंपनियां हमें नुकसान नहीं पहुंचाती हैं और हमारे डेटा का गलत उपयोग नहीं करती हैं, लेकिन कई बार पैसे की लालच में ये कंपनियां हमारे डेटा को किसी बड़ी एडवर्टीजमेंट की कंपनी को बेच देते हैं अपने एड्स को रेलेवेंट बनाने के लिए। तो आपको इन परमिशंस को अलाउ करने से पहले भी सोचना होगा। तो अगली बार से आप इस पर भी सावधान रहिए और किसी भी ऐप्स को परमिशन देने से पहले एक बार उसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए। ऐसे भी आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि आखिर इस पर भारत सरकार ने क्या एक्शन लिया है। सन 2013 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति बनाई। इसमें एक सूची बनाई गई जिसमें भारतीय एयरलाइंस, भारतीय रेलवे, शेयर बाज़ार, बैंकिंग जैसी तमाम महत्वपूर्ण नेटवर्कों को शामिल किया गया है। इन सभी नेटवर्कों के चारों ओर कड़ी सुरक्षा करने के लिए राष्ट्रीय क्रिटिकल सूचना संरक्षण यानी NCIPC की स्थापना की जा रही है। ये संस्था साइबर अटैक को प्रोटेक्ट करने के लिए जबरदस्त साइबर सिक्योरिटी का इंतजाम करेगी। ये संस्था साइबर अटैक को रोकेगी, साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी के लिए महत्वपूर्ण कदम भी उठाएगी। भारत के कंप्यूटरों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, नीदरलैंड और ब्राज़ील जैसे 20 से ज़्यादा देशों ने साइबर अटैक किया है। ऐसा ही 2010 में दिल्ली में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान किया गया था, जब हैकरों द्वारा भारत के स्कोरिंग मशीन को हैक करने का प्रयास किया गया था। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस पर कई ठोस कदम भी उठाए हैं और साथ ही साथ न्यू सॉफ्टवेयर उद्योग समूह यानी कि न्यू कॉम के साथ मिलकर भारत ने बेंगलोर, कोलकाता और पुणे में 3 साइबर फोरेंसिक लैब की भी स्थापना की है।
और आने वाले कुछ सालों में राज्य सरकार के साथ मिलकर 9 और ऐसी फॉरेंसिक लैब बनाए जाने की योजना भी बनाई है। उम्मीद करता हूँ आपको इस साइबर क्राइम से जुड़े हुए वीडियो को समझने में हेल्प मिली होगी और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।